जी, आदरणीय लोकप्रिय विधायक संजय शर्मा जी उपस्थित है, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय उपस्थित है। मैं आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात इस तरह संवाद कार्यक्रम में रखें। आज ये थोड़े बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, वो हमारे पीछे प्रिंट वाले बैठ जाओ, वो पीछे प्रिंट वालों को नहीं दिख रहा। अलवर के हमारे सभी सम्माननीय पत्रकार बंधु, मेरे साथ उपस्थित पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी, अलवर के हमारे यशस्वी विधायक, हमारे मंत्री सम्मानित संजय जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से अलवर के सभी नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अलवर ने मुझे सांसद के रूप में चुन करके एक गौरव का अवसर प्रदान किया है। अलवर की जनता के आशीर्वाद से मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे कैबिनेट मंत्री के रूप में वन पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के मंत्री के रूप में कार्यभार देकर के जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। हम सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस वर्ष 5 जून को एक अभियान प्रारंभ किया गया, एक पेड़ माँ के नाम। अलवर के हमारे पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि एक पेड़ जरूर अपनी माँ के नाम पे लगाएं, उनको साथ ले जाके लगाएं, अगर उनकी स्मृति हो तो उनके फोटो के साथ लगाएं। हम पेड़ लगाते तो हैं लेकिन जब हम अपनी माँ के नाम पे पेड़ लगाएंगे तो उसको संभालेंगे भी। एक पेड़ को लगाने के बाद अगर 5 साल तक उसकी संभाल की जाए तो पेड़ स्थायी रूप से रहता है। मैं मानता हूँ कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जैसा मंत्रालय जो क्लाइमेट चेंज है आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पिछले 3 वर्षों में चाहे बायोडाइवर्सिटी कॉप हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की कॉप हो, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड की कॉप हो, और दुनिया भर में जितने क्लाइमेट के डायलॉग हों उसमें मुझे जाने का अवसर मिला। हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष ही 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन ईयर मनाया था। देश में बाघों की संख्या बढ़ी है, हमारे अलवर के लिए तो गौरव का विषय है कि अभी हमारे यहाँ 3 और नए शावक आए हैं, लेकिन सरिस्का को हम राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म की जगह बनाएं, इसके लिए मैं और हमारे सहयोग है कि दोनों वन और पर्यावरण मंत्री केंद्र के और प्रदेश के साथ हैं तो हम दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे। आज जो हमारा मेरा अलवर आने के बाद एक तरीके से जब चुनाव हुआ था तो मैं उड़ीसा में था, मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके मतगणना कराई, मैं मतगणना का धन्यवाद करने के लिए कार्यालय आया था और आज से सांसद के रूप में विधिवत अपने कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ। मंत्री के रूप में तो मैंने पदभार संभाला ही है तो निश्चित रूप से मीडिया का सहयोग समर्थन मुझे रहेगा। और मैंने अलवर में जब मुझे टिकट भी दिया था तो बाबा भर्तृनाथ का आशीर्वाद लेकर ही काम शुरू किया था और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद त्रिकोलिया
मंदिर का आशीर्वाद, तो तीनों को करने के बाद मैं पार्टी कार्यालय में द्रविड़ जी को एक कुर्सी दे रहा, एक तीनों जगहों का आशीर्वाद देने के बाद मेरा जो सप्ताह में एक बार अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का रहता है, उस नाते मैं कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई करके आज पहली मीटिंग मैंने प्रशासन के साथ संजय जी के साथ अलवर के पानी के विषय को ली थी। और अलवर में पर डे जो कैपेसिटी है वो 6,30,00,000 लीटर की है। अभी जो टोटल कैपेसिटी पानी सप्लाई की है वो 3,00,00,000 लीटर की है। शहर में 340 नलकूप भी हैं जिसमें 140 नलकूप से टंकी के माध्यम से वितरण हो रहा है, 200 नलकूप से वितरण जो है वो डायरेक्ट हो रहा है। सरफेस वाटर के लिए हमको पता है कि जैसमंद में पानी लंबे समय से नहीं आया है। शहर के जो 59 जोन हैं उन 59 जोन में अलग अलग जोन में अलग अलग लेवल का पानी सप्लाई हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से उस सप्लाई की मात्रा को ठीक करने का प्रयास किया है और इसलिए मैंने और संजय जी ने बड़ी गंभीरता से सभी विभाग के अधिकारियों के साथ इस पूरे विषय को रिव्यू किया। सबसे पहले तो हमने इस बात को चाहा है कि भूगर्भ के जो पानी की स्थिति है उसकी हमारी क्षमताओं का अलग अलग वितरण होना चाहिए। शहर की टोपोग्राफी में भी जो एक लास्ट टेल पे जो पानी जाता है तो सप्लाई के लिए उसका एक बार वापस से अध्ययन होना चाहिए, PWD और नगर परिषद के साथ बैठने का विषय होना चाहिए, शहर के वाटर के रीयूज के विषय में, वाटर रिचार्ज के संबंध में और नए नलकूप को लेकर के संजय जी के प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विभिन्न अभी स्वीकृतियाँ दी गई हैं उसको एक कलेक्टिव फोरम में लाना चाहिए। इस गर्मी के अवसर पे तो सब लोगों ने जो अपनी अपनी दिक्कतें झेली हैं हम जानते हैं, लेकिन प्राथमिकता के तरीके से आज लगभग 30-40 क्वेरी हम लोगों ने इस विषय पे निकाली और तीन तरह से विषय है। पहला, तात्कालिक रूप से जो पानी की आपूर्ति है उसके लिए कैसी सुगमता की जा सकती है। एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है 30 MLD की, उसमें क्या वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, स्टोरेज से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर रीडिस्ट्रीब्यूशन से लेकर रीयूज से लेकर सारे विषयों को हमने रखा है। और तीसरा, एक व्यापक विकसित अलवर अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसकी बड़ी योजनाएँ क्या की जा सकती है। हमारी सारी क्वेरी के संबंध में विभाग ने कहा है कि वो हमको 3-4 दिन में सारे विषयों का एक समाधान करके देंगे। मैं भी इसके स्थायी समाधान के लिए पूरी तरीके से तत्परता से आशील मतलब बीच में लगा हूँ, लेकिन इसको एक वैधानिक रूप से आशील लगा हूँ क्योंकि मैं सांसद हूँ। दूसरा, इसके साथ साथ आने वाले समय में जो हमने अपने बजट में भी कहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी योजना पे काम किया जाएगा, अलवर में खेलों के विकास को लेकर के, उद्योगों के विकास को लेकर के, सब विषयों के विकास को लेकर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ कर दी है। मैंने जब सांसद था तो ये कहा था कि मेरा निवास स्थान भी अलवर होगा और मैं कहता था कि भाई सुबह 8 बजे पता कर लेना, अलवर हूँ तो अलवर में मिलूँगा, दिल्ली हूँ तो दिल्ली में मिलूँगा, हर हफ्ते मेरा अलवर आना रहेगा, निवास भी मेरा अलवर रहेगा और हमारी टीम के साथ मिलकर, अशोक जी भी हैं, पंडित धर्मवीर जी भी हैं, संजय जी भी हैं, हम एक टीम के रूप में मिलकर अलवर के विकास के लिए और मीडिया के साथ मिलकर भी पूरे तरीके से लगे रहेंगे।